हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है, ये म्यूटेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आई है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में 10/9/2021 में लगी हुई है। इसमें कहा है म्यूटेशन डजंट गिव प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट। सुप्रीम कोर्ट, ये डबल बेंच का फैसला है, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इन्होंने कहा है। जबकि आम ये धारणा बनी हुई है कि कोई भी प्रॉपर्टी जब उसका म्यूटेशन चेंज हो जाता है, म्यूटेशन सैंक्शन हो जाता है, तो उसके बाद उसकी ओनरशिप बन जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ फिस्कल पर्पज़ के लिए ही है, मतलब आपके नाम पे प्रॉपर्टी होगी, ये फाइनल टाइटल नहीं है। फाइनल टाइटल क्यों नहीं है? क्योंकि कल को हो सकता है कोई ये आपकी जो सेल डीड हुई है, आपका जो म्यूटेशन हुआ है, इसको कोई चैलेंज कर सकता है। यदि चैलेंज करने में पिछला मालिक गलत पाया गया या कुछ और कोई प्रॉब्लम आई, तो 100% ये सेल डीड है जो कैंसिल हो जाती है, नल एंड वाइड हो जाती है। यदि सेल डीड कैंसिल होगी, नल एंड वाइड होगी, तो डेफिनेटली जो म्यूटेशन है वो भी नल एंड वाइड हो जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का लॉ ये कह रहा है कि यदि आपका फाइनल टाइटल आपने लेना है तो वो सिविल कोर्ट से ही ले सकते हो। तहसीलदार का जो फाइनल टाइटल है, जिसको म्यूटेशन हमारा दाखिल खारिज बोलते हैं, जिसको या इंतकाल बोलते हैं, वो जो तहसीलदार वाला है वो एक फिस्कल है, सिर्फ आपको एक ओनरशिप देता है, लेकिन फाइनल ओनरशिप नहीं है। फाइनल ओनरशिप इसलिए नहीं है क्योंकि ये चैलेंजेबल है, कहीं भी चैलेंज होके। मैंने कितने मेरी यूट्यूब चैनल पे ऐसी वीडियोस पढ़ी हैं जिनमें प्रॉपर्टी फ्रॉड में की कैटेगरी में रखा गया है, तो वो लोगों ने रजिस्ट्री करवा दी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो जो मालिक है वो उसका मालिक ही नहीं था, कोई और बंदा खड़ा करके रजिस्ट्री हो गई। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है, वो ओनरशिप है, जो वो चैलेंजेबल है। और यदि इस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इस तरह की ओनरशिप पाई जाती है, तो 100% उसको नल एंड वाइड किया जा सकता है। दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। पहले तो मैं भी थोड़ा सा शौक हुआ इसमें, तो लेकिन नहीं, जब हम इसके डिटेल में गए तो 100% हमें ठीक लगी। तो इसीलिए ये वीडियो, आज का वीडियो इसीलिए बनाया गया कि आपको भी इसकी महत्ता, इंपॉर्टेंस पता लग सके। सो दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। और आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में, नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।